मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हमने डिस्कस किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसमें फोर्स लगेगी। कैसे लगेगी? बी बोर्ड के अंदर है, क्रॉस है, वेलोसिटी मेरी तरफ है तो फोर्स ऊपर है, तो जिससे फोर्स ऊपर लगेगी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और ये कैसे मूव करेगा? ये ऐसे हो जाएगा। फिर लगा के देख लो, बी बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, फोर्स कहाँ है? लेफ्ट है। हर वक्त हर केस में फोर्स हमेशा कहाँ करती रहेगी? टुवर्ड्स सेंटर। और यही मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वैल्यू बी क्यू वी साइन 90 है, वो कहाँ एक्ट करती रहेगी? टुवर्ड्स सेंटर। और इसको किस में घुमाएगी? इन अ सर्कल। सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रिपेटल। और ये एक्ट करेगी मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रिपेटल। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है कितनी? बी क्यू वी साइन 90। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल है। वी से वी कैंसल, आर की वैल्यू आ गई। तो कितने रेडियस में चार्ज पार्टिकल घूमेगा? आंसर क्या होगा? एम वी बाई बी क्यू। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। वी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? ओमेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तुम आर की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, वी से वी कैंसिल, तो किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा आ गया, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने चक्कर काटता है पार्टिकल, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा क्या है? 2.2 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड करके क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। और एक चक्कर कितने समय में कटता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, फॉर्मूला रजिस्टर में सारे फॉर्मूले नोट करने शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो रादर ये ज्यादा बेटर है। डायग्राम ये बना लो, ये लो डायग्राम ये बना लो, इसमें आर का और टी का और ओमेगा का और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को नोट करो, इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखो, शॉर्टकट में काम आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर टाइम लगा दोगे। क्या? अगर चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ध्यान से सुन लो, अगर चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, फोर्स ऐसे लगेगी, पता ही है स्टैंडर्ड डायग्राम है। और पार्टिकल कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस की जगह डॉट कर दूं बाहर, तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। ये शॉर्टकट है, टाइम बचाएगा आपका। तो क्रॉस के अंदर अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस में अगर राइट की तरफ आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज। कुछ भी चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ये याद रखो कि क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और वेलोसिटी अगर लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। लिखो फॉर्मूलाज़।